सिंगरौली में नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवेक्षक सुरेश कुठैत ने किया। इस दौरान कठैत ने कहा कि जल्द पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवेक्षक सुरेश कुठैत ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों से साक्षात्कार किया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जल्दी ही नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी, साथ ही कुछ दिनों बाद महापौर प्रत्याशी की भी लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा आप पार्टी चुनाव जीतेगी, हम दिल्ली की तर्ज पर नगर निगम में भी अपना कार्य करेंगे। सरकार जनता ने बनाई थी भाजपा से त्रस्त होकर भी, लेकिन 14 महीने बाद ही वो वापस भाजपा की सरकार आ गई। इसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मिलीभगत से शिवराज की सरकार दोबारा से बनाई गई है। ये सारे लोग मिले हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं, तो जनता इनसे त्रस्त है। जनता वोट नहीं देना चाहती भाजपा को, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ही जाकर के जनता का वोट बेचा है भाजपा को। तो इस बार कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, जनता का भाजपा के प्रति रोष है। यही हाल सिंगरौली का भी है। सिंगरौली में भी इस बार आम आदमी पार्टी का महापौर होगा, ये तय है कि इस बार आम आदमी पार्टी का ही यहाँ से महापौर होगा। जनता त्रस्त आ चुकी है इन लोगों से, जनता वोट नहीं देना चाहती है, जिसको वोट देती है भाजपा उसको खरीद लेती है। हमारी दिल्ली से चलकर आए हैं परम सम्मानीय पर्यवेक्षक जी, और यहाँ पे करीब हर वार्ड से तीन चार हो चाहे चार वार्ड से हो, हर वार्डों से हमारे यहाँ पार्षद संभावित आए, उन्होंने फार्म भरा था और यहाँ पे उनकी चर्चा हुई है, और जैसे ही उनका फाइनल होगा तो वहाँ से फाइनल के यहाँ पे आएगा और कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।